हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम वीडियो। पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है और आपके लिए हम लेकर आए हैं 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल में जो पेपर हुआ है उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग लेकर आए हैं। और सबसे पहले तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, अपना अटेम्प्ट जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैंशन करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जीके सेक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप एक चीज़ आप देखेंगे कि जो कुछ क्वेश्चन हैं वो पैटर्न रिपीटेड है और जो सीजीएल पूछे गए थे उसी के इर्द गिर्द कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, एशियन यूथ गेम्स कहाँ पर हुए थे। तो एशियन यूथ गेम्स जो है 2013 में चाइना में हुए थे, एंड 2017 वाला जो था वो कैंसिल हो गया था, एंड 2020 वाला भी चाइना में होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ये कोई बच्चे कह रहा था कि पूछा था कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर ये पूछा गया था कि 2019 में किसको मिली थी, तो ये बेन स्टोक्स को मिली थी 2019 में। और बेन स्टोक्स किस उसके प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन थे इस वाले शिफ्ट में। आपसे पूछा गया था कि जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो कहाँ पर हुए थे 2020 में, तो गुवाहाटी में हुए थे, असम में, एंड ये थर्ड एडिशन था। और जो सेकंड एडिशन था वो पुणे में हुआ था, एंड फर्स्ट एडिशन जो था उसका वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो मैं बार बार आपसे कह रही थी कि पूछा जा सकता है, क्योंकि सीजीएल में पूछा गया था कि जो नए आर्मी चीफ है वो कौन बने हैं, जो नरवणे हैं, मुकुंद नरवणे, उनको उनका नाम आया था। एंड अभी जो मैंने एक जनरल अवेयरनेस के जो पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसकी मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी। सो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया था जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो थी। तो वहाँ से क्वेश्चन एक आ गया है, बिपिन रावत जो है, ये आंसर आपको पता होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में भी थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इन्वेंटेड डायनामाइट, तो जो स्वीडिश केमिस्ट और इंजीनियर हैं अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल प्राइज भी है, तो उन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। आई वुड से एक क्वेश्चन था कि यूरेनियम इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कौन से स्टेट में पाया जाता है, वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 2019 में वो किसको दिया गया था, तो वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। उससे पहले ये 66th नेशनल अकेडमी अवार्ड्स थे, एंड उससे पहले विनोद खन्ना को 65th वाला जो दिया गया था वो विनोद खन्ना को दिया गया था। तो आप देख लेना इसमें से क्या पूछा गया था, 2019 पूछा गया था, उससे पहले वाला पूछा गया था। नेक्स्ट था कि जो डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ उसमें कौन था, तो माइकल पात्रा आई थिंक ऑप्शन में था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए आप, पॉलिटी से आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वो है आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है, और इंडिया में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। इसके साथ हम बता देती हूँ आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है, एंड आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी कह लो या फिर प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, वो आर्टिकल है 356। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इनमें से किसी आर्टिकल में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से भी एक दो क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन था 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, तो ये 1024 मेगाबाइट्स हो जाएगा। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर से क्वेश्चन है बट उतने डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप जनरली आपने अगर बेसिक्स पढ़े होंगे कंप्यूटर्स के तो आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। एक क्वेश्चन था कि हार्ड डिस्क किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मुद्रा स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये 2015 में लॉन्च हुआ था मुद्रा स्कीम, ठीक है, एंड ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जो नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, एसएमएसई सेक्टर है, उसको 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और ये जो लोन है ये तीन टाइप में दिया जाता है, तरुण, किशोर एंड शिशु। शिशु सबसे कम लोन होता है, उसके बाद किशोर आता है एंड देन तरुण आता है। आई थिंक अप टू जो 10 लाख से अबव होता, नहीं 5 to 10 लाख आई थिंक तरुण में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्या क्या पूछे गए थे। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है, वो जेम्स पीबल्स, 2019 की मैं बात कर रही हूँ, ये जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिडर क्लोज को मिला है। तो यहाँ पे ये जो शेयरिंग हुई है ये जेम्स पीबल्स और माइकल मेयर एंड डिडर क्लोज में हुई थी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो आपने देखा होगा नोबेल प्राइज से भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो हमारा जो ब्लॉग हमने
डाला हुआ है इस वेबसाइट पे रिलेटेड टू नोबेल प्राइजेस। आप उसको देखिए, उसमें पूरा नोबेल प्राइज में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था, उसके बाद अभी करंटली किस किस को मिला है, वो सब मेंशन है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन था जिसमें आपको स्टेट्स गिवन थे, गवर्नर्स गिवन थे, मैच के लिए पूछा गया था। आपने देखा होगा सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है ये CGL में भी पूछा गया था, कि एक क्वेश्चन इसी तरह से आया था एक शिफ्ट में, कि आपको स्टेट दिए हुए थे, आपको गवर्नर दिए हुए थे और आपको मैच करना था कि कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो आप देखिए कि इस चीफ मिनिस्टर गवर्नर इनसे क्वेश्चंस आए रहे हैं, तो एक बार उनको जरूर रिवाइज करिए। एक क्वेश्चन आपके लिए था कि साइंटिफिक नेम, ये बच्चे ने बताया किसी ने कि साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक बक भी पूछा गया था, तो ये होगा एंटीलोप सर्विकेप्रा, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। एक क्वेश्चन था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने की थी, तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी इन 1887। एक क्वेश्चन था हु वन दी वुमेन्स वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप इन 2019, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अलेक्सेंडा गोरिया गोरिया चिकिना, ठीक है, ये रशिया की प्लेयर हैं, तो इन्होंने ये खिताब जीता है 2019 का, अलेक्सेंडा गोरिया चिकिना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काला अजहर इज कॉज्ड बाय, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होता है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्ड इन जो कल की जो शिफ्ट थी, एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में किसी डिजीज के बारे में पूछा गया था कि पर्टिकुलर डिजीज है किस की वजह से होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी आर्ट फॉर्म्स आर देयर इन कथकली, कथकली में कितने आर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो 5 आर्ट फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु वन ड्यूरेंट कप इन 2019, 2019 में ड्यूरेंट कप किसने जीता है, तो पहली बात तो ड्यूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है और इसको गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब ने जीता है, ठीक है, और ये जो न्यूज़ थी ये हमने उसमें भी कवर किया था, अपने डेली करंट अफेयर क्विज में एक क्वेश्चन हमने कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे चेयरमैन, वो थे B.R. अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ पे हमने कवर कर लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन से लगभग 20+ क्वेश्चंस हो गए होंगे, ये हमने सारे कवर कर लिए। एंड चलिए अब देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे गए थे, तो कुछ वर्ड्स मिले हैं जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे। एक वर्ड था ऑब्स्क्यूर, जिसका मतलब होता है कुछ हेग सॉरी वेग हेजी, ये सारे वर्ड्स होते हैं। चूजी ये एक वर्ड था, इसका पूछा गया था। जॉबेल का पूछा गया था, जॉबेल मतलब होता है बहुत ही हैप्पी फ्रेंडली, ठीक है। अगर इसका एंटोनियम पूछा गया होगा तो होगा फिर सैड मोरोस, ठीक है, ये हो जाएगा। जाइजेंटिक मतलब कोई चीज़ बड़ी, अगर इसका उल्टा पूछा गया तो स्मॉल कह सकते हैं। फ्लिंच जो होता है, फ्लिंच का मतलब होता है टू स्टील समथिंग इन कैजुअल वे, कुछ चुपके से उठा लेना, ठीक है, वो फ्लिंच होता है। देन एक इडियम था टेक वंस हैट ऑफ, आई थिंक ये टेक वन हैट्स ऑफ होना चाहिए था, एंड इसका मीनिंग है टू एडमायर समवन। आपने देखा होगा कि कल की एक शिफ्ट में पूछा गया था इडियम, हैट्स ऑफ का मीनिंग पूछा गया था, एंड यहाँ पर भी कुछ उसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो लगभग जो वर्ड हैं वो आसपास ही पूछ रहे हैं, जितनी भी शिफ्ट्स हैं कुछ ज़्यादा अलग नहीं उसमें वो दे रहे हैं। एंड बात करें तो इसका लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में हम कह सकते हैं, इंग्लिश का जो इजी टू मॉडरेट के बीच में लेवल था। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन था, देन एरर स्पॉटिंग से क्वेश्चन थे, मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे, कमेमोरेट पूछा गया था एक वर्ड, इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी, PQRS टाइप अरेंजमेंट क्वेश्चन थे, तो इंग्लिश का तो आप सब जानते हैं कि एक सेट पैटर्न है और उसी पे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम बाकी शिफ्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। हेलो गाइस, सो हाउस द पेपर, कमेंट करके बताइए हमें कि कैसा रहा आपका पेपर और क्या चीज़ आपको आज के शिफ्ट में परेशान करी। तो दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आए हैं आपके, लॉजिकल रीजनिंग आज की जो है थोड़ा इजीयर साइड पे है, एंड इसमें पूछे गए हैं आपके सीरीज से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजीली डूएबल सीरीज थी सारी की सारी। कुछ सीरीज मैं आपको बता भी देता हूँ, एक सीरीज पूछी गई थी आपसे 6, 7, 9, 12 एंड 16, तो इसको आपको पता है 6+1 हो रहा है, 7+2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हुआ आपका, यहाँ पे +4 हुआ, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +5 एंड दैट विल बी 21। तो 21 इसका सही आंसर आने वाला था। एक सीरीज आपको पूछी गई दोस्तों 2, 8, 18, 32, 50
एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर आप इसको डिवाइड बाई टू लिख कर दो तो ये हो जाएगा 1, इसको करोगे डिवाइड बाई टू तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, एंड फाइनल मिसिंग नंबर आपको पता लग गया होगा अब यहाँ पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी 6 का स्क्वायर, दैट विल 36, एंड 36 का ट्वाइस हो जाएगा आपका 72, तो 72 इस मिसिंग टर्म का आंसर था दोस्तों। देन बात करें हम आपके एनालॉजी से, तो एनालॉजी से दोस्तों नंबर एनालॉजी से भी क्वेश्चन आए हैं, एंड आपका नॉर्मल इंग्लिश एनालॉजी, इंग्लिश बेस्ड वर्ड्स जो होते हैं वर्ड्स एनालॉजी पे भी क्वेश्चन थे, तो ये भी 3 to 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एनालॉजी पे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनालॉजी में दोस्तों, बोला गया था आपको चेयर इज रिलेटेड टू फर्नीचर इन द सेम वे पेपर विल बी रिलेटेड टू विच वन। तो दोस्तों ये स्टेशनरी आपका ऑप्शन में था, तो पेपर विल बी रिलेटेड टू स्टेशनरी, ये कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्टेशनरी आपको दिया हुआ था एंड पेपर आपको पूछा था, तो आप देख लीजिएगा, बट पेपर स्टेशनरी का एक आपका एनालॉजी दी गई थी। देन आपको एक क्वेश्चन दिया गया था एनालॉजी में दोस्तों, 7 रिलेटेड टू 43, देन 8 विल बी रिलेटेड टू विच वन। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया हमें, तो ये हो सकता है आपका, अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो इसमें हो जाएगा आपका दैट विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 49, 49 में से अगर आप 6 माइनस कर देते हैं तो आपको 43 मिल जाता है, एंड 8 इस टाइप का क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। तो एक बार बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपकी आज की शिफ्ट में आया है नहीं आया है, इस क्वेश्चन को आप एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो ये हो जाएगा आपका 64, एंड 64 माइनस 7 विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 57। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस, एंड देन बात करें अगर हम काउंटिंग फिगर से, तो काउंटिंग फिगर से दोस्तों एक ट्राइंगल पे बेस्ड ट्राइंगल काउंट को काउंट करने के लिए एक क्वेश्चन आया है आपका। देन बात करें अगर हम ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन था फोटोग्राफ पे बेस्ड, 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोटोग्राफ। कि लाइक रीता सेज टू हर फ्रेंड द फोटोग्राफ, इन द फोटोग्राफ द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू हिम एज, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन था आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन से आज के पेपर में। देन सिलॉगिन से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिला आज की शिफ्ट में, इजी क्वेश्चन था सिलॉगिन का भी जैसे बच्चों ने बताया हमें। देन क्यूब्स एंड डाइस पे पोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों, पोजिशन दी गई थी आपको, एक क्वेश्चन था पर क्यूब्स एंड डाइस पर 3 पोजीशन दी गई थी, आपको उसका आंसर बताना था फाइनली। देन बात करें हम पेपर फोल्डिंग, तो पेपर फोल्डिंग से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है अगेन एनालिटिकल रीजनिंग से, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है एसएससी ने एनालिटिकल रीजनिंग पे, क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या था दोस्तों, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था कि एक पर्सन ए की एज दी गई थी आपको 10 ईयर्स, एंड एज मदर की एज जो थी वो दी गई थी आपको, वो बोला गया था कि एज की जो मदर है वो है आपका 20 ईयर्स ओल्डर है, 20 ईयर्स ओल्डर देन ए, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि एज की मदर हो जाएगी 30 ईयर्स, एंड आपको पूछा गया था बी की जो फादर की एज है वो ए के मदर से 6 ईयर्स ज्यादा है, 6 ईयर्स मोर देन एज मदर। देन आपको पता लग गया यहाँ पे 30 + 6 यानी कि 36 ईयर्स जो होगी बी के फादर की एज होगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड, रीजनिंग ओवरऑल में कहूंगा तो बहुत इजी थी। एक आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों वर्ल्ड सीरीज का भी एक क्वेश्चन था, उसमें क्या था, सीरीज दी गई थी आपको, एंड सीरीज वॉज लाइक आपको दिया गया था EF- देन अगेन डैश देन EFFG देन डैश डैश EF-G-G। तो ये दोस्तों आपको बड़े आराम से दिख जाना चाहिए था, ये इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे, ये इस टाइप से बन रहा है आपका EFG देन EEFFGG एंड देन EEEFFFNGGG, इस टाइप से जो है आपका लॉजिक बन रहा था वर्ड इसमें वर्ड सेरी में। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चंस थे आज के पेपर में, रीजनिंग जो थी रीजनिंग ऑन द इजियर साइड थी, तो मैं कहूंगा आपका 23 मार्क्स जो है, 23 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके आए हो आज के
शिफ्ट में तो बेस्ट अटेम्प्ट्स आपके होने वाले हैं 23 क्वेश्चन। आप 23 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, बहुत आराम से, इजीली डूएबल थे लॉजिकल रीजनिंग में। देन बात करते हैं हम दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम को जितने मिले हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें मिले हैं और आपको बताने वाले हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चंस थे आज के। तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज चलेंगे, क्वेश्चंस को सारों को देखते चलेंगे। एंड ज्योमेट्री से क्वेश्चंस थे आपके, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक आपको टेंजेंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना था सी पॉइंट पे, एंड जो सेंटर है वो ओ से सी का जो डिस्टेंस था यानी कि रेडियस जो थी सर्कल की वो आपको 5 सेंटीमीटर दी गई थी। एंड डिस्टेंस पूछा था आपका पी ए का डिस्टेंस पूछा था आपको, पी सी की वैल्यू दी गई थी आपको 12। तो आपको पता है दोस्तों कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है, एंड अगर ये 90 है तो 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनने वाला है दोस्तों। 13 का ट्रिपलेट बन गया। पी ए की आपको वैल्यू पूछी गई है, ओ ए की वैल्यू आपको पता है कि वो भी एक रेडियस है, तो ओ ए की वैल्यू भी 5 हो जाएगी एंड पी ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 - 5, दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। देन ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपको, डायरेक्टली एक ट्राइंगल दिया गया था एंड उसके अंदर इंस्क्राइब था एक सर्कल, एंड उस सर्कल जो है वो सर्कल जो है आपका टच कर रहा था पॉइंट्स डी ई और एफ पे, डी ई और एफ पे वो पॉइंट पे टच कर रहा था। एंड देन आपको बोला गया था कि ए सी की वैल्यू आपको 8 दी गई थी, ए बी की वैल्यू दी गई थी आपको 12 एंड बी सी की वैल्यू दी गई थी आपको 10। आपको पूछा गया था ए इंटू बी डी क्या होगा। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप बस क्लिक करना था, आपको अप्रोच किस तरह से करनी है। आपको ये पता है ए विल बी इक्वल टू ए एफ, बी विल बी इक्वल टू बी डी एंड सी डी विल बी इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट्स हैं एक पॉइंट से। तो इसको हम मान लें अगर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ जेड जो हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा आपका 12, 8, 20 और 20, 10, 30 के। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाती है दोस्तों टोटल 15। अब आपको यहाँ पर अगर आप इस वाली 20 की वैल्यू लिखेंगे तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, यहाँ से देखेंगे तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपकी 8 है, एंड इधर से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी है 12 दोस्तों। तो अब यहाँ से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 5 आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी वो आ गई आपकी 15 - 8, 7, एंड जेड की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पता लग गई आपको, एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई पूछा है आपको, तो एक्स इंटू वाई जो हो जाएगा आपका ए एक्स है, बी डी वाई है, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा आपका 5 × 7 यानी कि 35। तो 35 इसका दोस्तों आंसर आ गया। देन एक बात करें, एक और क्वेश्चन था आपका ज्योमेट्री से ही। तो ज्योमेट्री से वो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, सिमिलर यही टाइप की फिगर दी गई थी आपको। आपको दिया गया था ओ सेंटर है, ये है आपका सी, ये है आपका बी, एंड देन पी पॉइंट से जो है आपको टोटल दिया गया था कि पी ओ पी सी की वैल्यू 12 दी है, पी बी की वैल्यू 12 है, ये 5 था, ये 5 था, एंड आपको क्वाड्रिलेटरल जितना हमें पता लगा है दोस्तों वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्वाड्रिलेटरल ओ बी पी सी। अगर कुछ डाटा ऊपर नीचे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा आ रहा है हमारे पास वो बच्चों ने बताया है हमें, तो बच्चों पर लाई करके हमने ये डाटा यूज़ कर रहे हैं हम। तो इसमें अगर आपको एरिया पूछा गया तो आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका 12 है एंड आपका हाइट है 5, तो ये हो गया आपका 30, एंड इधर का भी 30 होगा, इधर का भी 30 होगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री से। देन बात करें एक और आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री से, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपको डायरेक्टली बोला गया था कि एक ट्राइंगल दिया गया था आपको, एक ट्राइंगल की एक साइड आपको दी गई थी और वो साइड दी गई थी आपको 7 सेंटीमीटर, एंड आपको उस ट्राइंगल का एक पैरीमीटर भी दिया गया था दैट वॉज 18 सेंटीमीटर, एंड आपको उस ट्राइंगल का एरिया भी दिया गया था दैट वॉज √108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा गया था अदर साइड्स क्या होंगी। तो दोस्तों इसको अप्रोच कैसे करना था आपको एग्जाम पॉइंट एग्जाम हॉल में। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत भी कर रहा था क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ इसको अप्रोच करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। पैरीमीटर आपको दिया गया 18, तो सेमी पैरीमीटर आप 9 बोल सकते हो, 9 अगर सेमी पैरीमीटर हो गया तो हीरोज फॉर्मूला के
टाइपिंग में इसको तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, ये हो गया 9, अगर मैं 9 इंटू समथिंग लिखूंगा तो ये हो जाएगा 9 1 9, 9 2 18, तो इसको मैं 9 इंटू 12 लिख सकता हूँ। अब हीरोज फॉर्मूला होता क्या है दोस्तों, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एस है यहाँ पे 9, 9 माइनस ए तो मुझे पता है 7 है, तो 9 माइनस 7 यानी कि 2 हो जाएगा, इन 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 6। तो अब 6 बचा है दोस्तों, तो वो है एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू है 6। 6 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, तो दो पेयर मिल गए मेरे को 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 से। तो 1 इंटू 6 से अगर मैं पेयर लूंगा तो बी साइड और सी साइड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 और आपका 3, एंड इधर से आ जाएगी बी और सी की वैल्यू आपका 7 और आपका 9 माइनस 3 दैट विल बी 6, 7 और 6। तो अगर आप पेरीमीटर से चेक करेंगे तो पेरीमीटर जिसमें सही बैठेगा वही हमारे बी और सी की वैल्यूज होंगी। पेरीमीटर यहाँ पे 18 है, तो पहले ऑलरेडी 7 था मेरे पास, तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, तो ये केस हो जाता है आपका गलत। तो आपका केस होगा ये वाला सही, ये और सही कैसे, ए की वैल्यू आपकी 7 है, बी की वैल्यू आपकी 8 है, सी की वैल्यू आपकी 3 है। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से अप्रोच करने का तरीका। देन बात करें अगर हम आपका अब ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगो से क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों, आपको दिया गया था टेन थीटा की वैल्यू 2/√3, एंड आपको बोला गया था कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस थ्राइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, इसको दोस्तों आप ये लिख सकते हो, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/√3, क्योंकि साइन थीटा में भी बेस में हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस थीटा में बेस में हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर आप इन दोनों को नेगलेक्ट भी कर दोगे तो डायरेक्टली आप साइन थीटा को 2 यूनिट्स मान सकते हो और कॉस थीटा को √3 यूनिट्स मान सकते हो, ना कि एक्चुअल वैल्यू। तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin² θ प्लस ट्वाइस ऑफ cos² θ अपॉन 1/sin² θ माइनस थ्राइस ऑफ 3/cos² θ। तो अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा cos² θ प्लस ट्वाइस ऑफ sin² θ अपॉन cos² θ माइनस थ्राइस ऑफ sin² θ। तो यहाँ से दोस्तों आएगा क्या, अब आपको बोला गया था cos साइन थीटा को मैंने 2 यूनिट्स माना है, cos थीटा को √3 यूनिट्स माना है, तो ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स, एंड ये हो गया आपका sin² θ। तो sin² θ का आ गया आपका 2 टू 4, 4 टू 8 अपॉन ये हो गया आपका √3 के साथ था, तो ये हो गया cos² θ यानी कि 3 माइनस 3 इंटू ये हो गया आपका 2 टू 4, 3 4 12, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे आ गया -9। एंड आई थिंक दोस्तों यहाँ पर cosec² θ, क्योंकि जैसा आंसर बता रहे थे दोस्तों तो बच्चे 5/9, तो यहाँ पर माइनस रहा होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा आपका cos² θ, तो 3 आ गया दोस्तों, cos² θ आ गया आपका 3 यहाँ पर, एंड ये हो गया आपका माइनस में, तो ये आ जाएगा आपका -5/-9 यानी कि -5/9 यानी 5/9, तो 5/9 इसका सही आंसर आ रहा था दोस्तों। तो देख लीजिएगा एक बार, आप हमें कंफर्म करके बता दीजिएगा, वैसे दोनों साइड जो है अगर 5/9 आंसर आ रहा होगा तो यहाँ पे दोनों साइड ऊपर नीचे माइनस माइनस में रहा होगा वैल्यू। देन बात करते हैं दोस्तों अब एक और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था आपको 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ की वैल्यू दी गई थी आपको 10 30 / tan 60 के इक्वल। तो आपको पूछा गया था cot θ की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बता सकता हूँ इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 × √3 यानी कि 1/3, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 - 3 tan θ इक्वल्स टू 1 + tan θ, यहाँ से आपका आ जाएगा 10θ इक्वल्स टू 1/2, 10θ 1/2 हो गया, तो cot θ की वैल्यू हो गई आपकी 2। देन बात करें अगर हम, एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपको ट्रिगो से ही, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई थी सी, एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको पी दी गई थी, और पी की वैल्यू आपको बतानी थी। तो आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें, आप स्क्वायर करके ऐड कर दें तो होगा क्या दोस्तों, आपको मिल जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि पी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये था दोस्तों इसका
आंसर। देन बात करें अगर हम आपका अरिथमेटिक सेक्शन पे चलें अगर हम, तो अरिथमेटिक सेक्शन से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? अरिथमेटिक सेक्शन से क्वेश्चन थे आपके, एक था आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क से एक इजी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका, अभी हम बता चुके हैं आपको 7 क्वेश्चन, तो अब 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या था आपका, आपको दिया गया था दोस्तों एक आदमी ए जो है वो 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है अलोन किसी काम को, एंड बी जो है वो 18 डेज में कंप्लीट कर लेता है उसी काम को अलोन। एंड देन बोला गया कि इफ ए स्टार्ट द वर्क, ए स्टार्ट द वर्क एंड डू इट फॉर एंड डज इट फॉर 6 डेज, तो देन रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो आपका रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए एंड बी बोथ टुगेदर। तो हमें पूछा गया था कि टोटल डेज कितने लगेंगे पूरा वर्क कंप्लीट होने में, तो कुछ नहीं करना था आपको, 30, 18 एंड अगर हम बात करें तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका दोस्तों दैट विल बी 19, यानी कि एफिशिएंसी या वन डे वर्क बोलूँ तो मैं, हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा आपका 3 एंड बी का हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ए अगर 3 यूनिट्स काम कर रहा है एक दिन में, तो 6 डेज में हो जाएगा उसका काम, 3 × 6 यानी 18 यूनिट्स वो काम कंप्लीट कर लेगा। तो रिमेनिंग वर्क जो बचा, रिमेनिंग वर्क हो गया वो आपका 90 माइनस 18 पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 72 यूनिट्स। एंड बात करें अगर हम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ए और बी मिलके इस वर्क को, तो दैट विल बी इक्वल टू 72 अपॉन इनका टोटल वन डे वर्क हो गया 8 यूनिट्स, यानी 8 बाई 72 यानी 9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 9 डेज में अगर ये कंप्लीट ए और बी मिलके कर लेते हैं, ए ने 6 डेज में कंप्लीट किया था, तो टोटल डेज जो लगेंगे वो हो गए आपके 15 डेज। तो 15 डेज वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन अब बात करते हैं दोस्तों आपका अरिथमेटिक सेक्शन से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन देखने को मिला है इस वाली शिफ्ट में। एंड क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था आपका मिल्क एंड वाटर के रेशियो पे। आपको बोला गया था मिल्क एंड वाटर का रेशियो इनिशियल रेशियो है 5:2, एंड इसमें हम हाउ मच मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 7:2, ये बोला गया था आपको। और टोटल इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी भी दी गई थी आपको, इनिशियल मिक्सचर था आपका 56 लीटर्स। तो कुछ नहीं करना था दोस्तों आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2 और ये हो गया आपका 7:2 हो गया आपका। तो इंक्रीज कितना हुआ मिल्क में, 2 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है। अब 5 + 2 7, 5 + 2 7 की वैल्यू थी आपकी 56 लीटर्स, 1 की वैल्यू थी आपकी 8 लीटर्स, तो ये मिल्क हो गया आपका 5 × 8 40 लीटर्स। एंड आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 2 यूनिट्स की वैल्यू, यहाँ पे 1 यूनिट की 8 लीटर आ गई है, तो 2 यूनिट की आपकी आ गई 16 लीटर्स। तो 16 लीटर्स आपने मिल्क मिलाया होगा 40 लीटर के जो इनिशियल मिक्सचर था मिल्क का उसमें, तो आपका टोटल मिक्सचर बन गया होगा 7:2 के रेशो में डिवाइड होकर। तो ये था दोस्तों। देन एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से और बता देता हूँ मैं। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन जो था, मेंसुरेशन क्या कहूंगा मैं इसको, परसेंटेज और मेंसुरेशन का कॉम्बिनेशन था ये क्वेश्चन। तो इसमें आपको बोला गया था एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में लेंथ जो है आपकी वो इंक्रीज हो जा रही थी 12% से, एंड ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो जा रही थी आपकी 8% से। आपको पूछा गया था एरिया में कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा, तो आप बता सकते हो दोस्तों। एक्चुअली में तो डिक्रीज ही होगा, आपको देखते ही पता लग गया होगा कि लेंथ अगर बढ़ रही है ज्यादा परसेंटेज से और ब्रेथ कम परसेंटेज हो रही है, तो डिक्रीज इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं होता, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि डिक्रीज होगा। अब बताना कैसे है आपको, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाइए x + y, x y upon 100, x + y − x y upon 100 को, और ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हो गया 12 − 8 एंड दैट विल बी, ये हो गया आपका −12 = 96 upon 100, ये हो गया आपका 12 − 8 = 4, 4 − 0.96 यानी कि हो गया आपका 3.04% का आपका जो है टोटल इंक्रीज हो गया।
एक्चुअली में डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा से बढ़ रही है तो इंक्रीज होगा। डिक्रीज आपको एरिया, हाउ मच इंक्रीज इन एरिया आपको पूछा गया है। तो 3.04% का आपका इंक्रीज होने वाला था दोस्तों, तो ये बड़े इजीली आपने कर लिया होगा। देन एक आपका क्वेश्चन था दोस्तों, डायरेक्टली आपका टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कितने क्वेश्चन हमने आपको बता दिए अभी, ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। देन हमने बताया आपको 9th क्वेश्चन ये, एंड देन आपका ये 10th क्वेश्चन हो गया। देन अब देखते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन क्या था। 11th क्वेश्चन आपको बताया गया, इसमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चलती है तो वो 10 मिनट लेट हो जाती है, एंड अगर सेम ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर दे तो वो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाती है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो टोटल डिस्टेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस आपको पूछा गया। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 × S2 / S2 − S1 का एब्सोल्यूट वैल्यू एंड देन T1 − T2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 50 × 60 / 10 × 10 मिनट्स अर्ली 10 मिनट्स लेट, यानी कि 10 − −10 यानी 20। तो ये आ जाएगा, ये मिनट्स में है तो इसको आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। तो ये हो गया आपका 2 × 60 गया, यानी कि 100 किलोमीटर वॉज द डिस्टेंस। तो दोस्तों ये इजी सा क्वेश्चन था आपका। देन आपका एक क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज पे भी आया था, परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ए किसी, ए जो है आपका बी का कितना परसेंट है एंड बी किसी सी का कितना परसेंट है, देन आपको पूछा गया था सी कितना ए का परसेंट होगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन था दोस्तों, मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था दोस्तों। देन बात करें हम, अगर एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस टाइप से भी पूछा गया था अलजेब्रा में, बोल सकता हूँ मैं, एक क्वेश्चन था आपका 1 + √3 + √4। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, ये क्वेश्चन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें दोस्तों। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको देखिएगा आप। ये दिया गया था आपको a + b√2 + c√3, इस टाइप से आपको वैल्यूज दी गई थी, एंड आपको इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू बतानी थी, a + b + c की वैल्यू बतानी है अगर आपको। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको रेशनलाइज करना है दोस्तों। इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, 1 + √3 + √4 × 1 + √3 − √4, और ऊपर भी यही करेंगे आप, 1 + √3 − √4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 + 3 + √3 − 4। ये 4 से 4 कट गया, एंड आपका 2√3 था ये, तो ये हो जाएगा आपका √3 से √3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऊपर √3, ये ऊपर 1 + √3 − √4। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, दैट विल बी इक्वल्स टू √3/2 + 3/2 − √12/2। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू बदल गई, आप इनसे पुट कर दीजिए, हो जाएगा √3/2 + √3/2 − √12/2। तो ये आपका जो है ये हो गया आपका √3 × मतलब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जिस टाइप से भी आपको ऑप्शन दिया होगा उस तरह से आप फाइनल सॉल्व कर लेंगे। आपको इस तरह से दिया होगा कि आपका रूट्स में ना आए फाइनल आंसर, आपका डायरेक्ट पॉइंट्स में या फिर डायरेक्ट आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज की शिफ्ट के जो हमने बताए। एक क्वेश्चन और रह गया है, एक क्वेश्चन वो और मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या था दोस्तों आपका, CI और SI से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था दोस्तों आपका, प्रिंसिपल दिया गया था आपको दोस्तों, प्रिंसिपल दिया गया था आपको 10,000 रुपीज़, एंड आपको उस प्रिंसिपल को ये कहा गया था कि इन्वेस्ट करता है एक आदमी, इन्वेस्टेड एट 2 रेट्स, मतलब कुछ पार्ट जो है इसका, ए पार्ट जो है वो इन्वेस्ट हुआ आपका 15% per annum पे, एंड बी पार्ट जो इन्वेस्ट हुआ है वो 10% per annum पे है, एंड 5 ईयर्स का आपको SI दिया गया था। 5 साल बाद जो SI मिला था इस रेट, इन रेट के कॉम्बिनेशन से, वो 6,500 रुपीज़ था। तो अगर 6,500 रुपीज़ 5 ईयर का SI है तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1,300। अगर आप इसकी परसेंटेज में निकाल लें तो 1,300/10,000 × 100, यानी कि आपका आ जाएगा 13%। तो 13% का जो रेट था वो ओवरऑल रेट है वो। अगर आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगा दें कि 13% का ये रेट हो गया, तो 3 और 2, 3:2 में जो है हमने डिवाइड किया हो गया करा होगा इस अमाउंट को। अगर हम 3:2 में इसको
डिवाइड करते हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 10,000 हो गई है। एंड अगर एक ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया ये पता करना है हमें, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पे 2,000 रुपीज़। एंड ये था 3, तो 3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6,000 रुपीज़। आपने ए स्कीम में इन्वेस्ट किया था एंड 4,000 रुपीज़ आपने बी स्कीम में इन्वेस्ट किया था। तो ये था दोस्तों आपका सीआईएसआई का क्वेश्चन। तो टोटल जितने क्वेश्चंस हमें मिले, इस शिफ्ट में थोड़े से क्वेश्चंस बच्चों ने कम भेजे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे आपके बच्चे बता भी रहे थे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, तो उनको टाइम नहीं मिला पूरे के पूरे क्वांट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। जितने उनको याद आए उन लोगों ने बता दिए हैं हमें। एंड कुछ क्वेश्चंस डीआई के थे, तो डीआई के अगर मैं 4 क्वेश्चंस हटा दूँ तो 14 प्लस 4 18 क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहाँ पे बता दिए हैं आपको। और बचे आपके क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस, तो 7 क्वेश्चंस के अराउंड आपके क्वेश्चन बच गए हैं। तो आप क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे। कमेंट में आपको जवाब भी मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा आपको। तो मैं कहूँ आज की शिफ्ट को देखते हैं, तो आज की शिफ्ट थोड़ी सी दोस्तों टफ टफ साइड पे थी, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूँगा मैं आज की शिफ्ट को। तो अटेम्प्ट जो होने चाहिए आपके, मैं बेस्ट अटेम्प्ट कहूँगा। अगर आप 15 टू 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हो क्वांट सेक्शन में, तो यू आर ऑन अ गुड साइड, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सारे बच्चों के सामने सेम हो जाओगे। एंड इतने क्वेश्चंस मतलब आज की शिफ्ट में डुएबल थे आराम से। तो आई होप आपने अच्छे से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा। ऑल दी बेस्ट गाइज। एंड जिन लोगों का अगली शिफ्ट में पेपर है, तो उनके लिए भी मैं कह दूँ कि आप इन शिफ्ट की एनालिसिस जितनी भी आ रही हैं उनको अच्छे से देखते रहिए। एंड स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी सेफ, और थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिए आप कोरोना के अगेंस्ट, अवेयर रहिए। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे इस टाइम पे प्रिकॉशन एंड अवेयरनेस की ज़रूरत है, पैनिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से पेपर करके आइए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का। तो ऑल दी बेस्ट गाइस, मिलते हैं फिर अगली एनालिसिस लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।